गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा सैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी विद योर फैमिलीज। तो मैं आज सुबह से ही आप लोगों के साथ सामने से ही ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगे कल के ब्लॉग के जैसा। एंड रीज़न तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि क्यों मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग नहीं करी। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब पूछ रहे थे मुझे मैं कैसी हूँ नहीं हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट विशेस सही हो जाने का। एंड मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल सही हूँ। ज़्यादा थोड़ा मुंह में स्वेलिंग है देख के लग ही रहा है, बट कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी मुझे। तो टीवी चल रहा है हमारा, बाबू सो के टीवी देख रहा है, उसको मुझे नहलाना है क्योंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं। हस्बैंड चले गए हैं काम पे, वो अपना दूध बिस्किट जो है फ़िलहाल अभी 13 डेज़ के लिए ऐसा ही चल रहा हमारा, वो दूध बिस्किट ही खा के जा रहे हैं। हम लोग भी सुबह वही खा रहे हैं। एंड दोपहर को मैं थोड़ा दाल चावल बना ले रही हूँ, हस्बैंड थोड़ा बाहर से खा ले रहे हैं। क्या कर सकते हैं, वो भाई काम पर जाते हैं। घर में खाना मैं जब नहीं बनाती हूँ टिफ़िन, तो बाहर में ही खाना पड़ रहा, बट उनका चलता है क्योंकि वो लोग बाहर काम करते हो, तो बाहर काम करने वालों का कुछ थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, चीटिंग तो चलता ही है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ, मतलब DIY हेयर ऑयल, जिससे मेरा जो हेयर्स की कंडीशन अभी क्या है आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ मैं हेयर्स को लेके, क्योंकि हेयर्स जो टूटने वाले हैं ना मेरा, उसको मैं रीग्रो करने में मेरा बहुत दिन चला जाएगा। तो इसीलिए मैं एक अमेजिंग सा DIY हेयर ऑयल आज बनाऊंगी, ताकि 2 से 3 दिन में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ऑयल में, एंड जब मैं 13 डेज़ बाद उसे यूज़ करूं तो उसका एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मुझे मिले, वो भी मैं आज के ब्लॉग में शेयर करूंगी। साथ ही साथ आज से हम लोग कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो आज है 9th डे है, 13 डेज़ का आज 9th डे है, तो आज 9th डे से हम लोग अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं साबुन की मदद से, सर्फ की मदद से, जो भी डिटर्जेंट की मदद से हम लोग वॉश कर सकते हैं। एंड और एक गुड न्यूज़ मुझे देना था कि कल हम लोग ने एक वॉशिंग मशीन लिया हुआ है, लेकिन इस घर के लिए नहीं, उस घर के लिए, क्योंकि मेरा जो घर है वो छोटा है तो यहाँ मैं नहीं रख सकती हूँ। तो इसीलिए सारे भाई, जितने भी भाई हैं उनके कंट्रीब्यूट करके एक वॉशिंग मशीन लिया हुआ है उन्होंने कल ही, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। एंड आज उसी में हमारा पहला कपड़ा धोने वाला है, तो इसलिए मदर इन लॉ आई थी सुबह सुबह ही, एंड वो बोल के गई हैं सारे जो कपड़े हैं वो धोने के लिए निकाल दो, आज एक दिन धोएंगे कल एक दिन धोएंगे, ताकि दोनों घर का कपड़े जो है 2-3 दिन में इजीली सबका धुल जाए। सूखने में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो दैट। तो आज जो मैं हैं उनके जो सारे कपड़े हैं काम पर जाने के लिए, एंड हमारे जो थोड़े मोटे मोटे वाले कपड़े हैं वो दे दूँगी मैं वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में, एंड जो छोटे वाले कपड़े हैं मैं खुद ही धो लूँगी, क्योंकि छोटे क्या भाई उनका भी कपड़ा है, तो मैं ज़्यादा दे दूँगी तो मेरी सास तो पूरा दिन लगा ही देगी कपड़े धोने में। एंड मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि खाना तो बनाना है नहीं किसी को, वही दाल चावल तो 2 मिनट में बन ही जाते हैं, 2 मिनट में नहीं मतलब वो तो चढ़ा के रख देने से वो इजीली बन जाते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, तो वो अकेले ही धो लेंगी उन्होंने बोला है, तो इसलिए मैं और फोर्स नहीं कर रही थी उनको। एंड सच बताऊँ तो मुझे अभी वॉशिंग मशीन चलाना आता भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं चलूँगी आप लोगों के साथ उस घर में, ले जाऊंगी आप लोगों को, एंड वॉशिंग मशीन दिखाऊंगी कौन सा वाला हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ आप लोगों को शेयर भी करती हूँ कि कौन कौन सा कपड़ा मैं धोने के लिए देने वाली हूँ उस घर में। एंड कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, उनको तो रोक नहीं सकती हूँ ना मैं, उनका काम तो वो लोग करेंगे ही, तो मेरा जो काम है वो मैं करूँगी, एंड आप लोगों का काम है देखना आप लोग वो करोगे। तो सब अपने अपने काम में लगे हैं, हम लोग भी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बकबक करने लग गई हूँ सुबह से आप लोगों के सामने बैठ के, तो बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हो रहे हो तो कमेंट करके बताना मुझे। तो चलो पहले हम लोग कपड़े को, जो कपड़ा हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं क्या क्या धोने के लिए। तो बाबू को जब नहा धो के मैं उस घर में ले जाऊंगी तो मदर इन लॉ को वो कपड़ा दे दूंगी धोने के लिए। तो चलो फिर हम लोग कपड़े निकाल लेते हैं, कौन कौन से कपड़े हमें धोना है धोने के लिए। आप लोगों से बातें करने के बाद ही मेरी मदर इन लॉ आ गई थी बाबू को लेने के लिए, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनको बोर फील हो रहा था, बाबू की याद आ रही थी, तो मेरी सास आके बाबू को लेके जा रही। आई होप यू कैन सी।
तो चली गई है वो, तब तक मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ ताकि मैं उनको टाइम पे देख के आ जाऊँ, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा था। फिर कब धोएंगे, फिर कब मैं सूखने दूंगी, एंड सूखने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, एंड बारिश आ जाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो जो कपड़े हैं मुझे धोने के लिए देने हैं, एंड मेनली जो सारे कपड़े मैं धोने के लिए दूंगी वो सारे हस्बैंड के ही होने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत मोटे वोटे वाले जीन्स एंड टी शर्ट्स शर्ट्स ये सब रहते हैं उनके काम पे जाने का, तो वही सब निकाल दूंगी ताकि 1 से 2 दिन में सूख जाए, एंड ड्रायर भी है तो इजीली सूख भी सकता है। होप करती हूँ कि आज के अंदर ही सूख जाए, पता नहीं बारिश का तो कोई भरोसा है नहीं। तो चलो सारे कपड़े को निकाल लेते हैं, देन मैं आप लोगों से बनती हूँ। यहाँ पे जो सारे कपड़े जो मेरे वाले हैं वो सारे कपड़े को मैं अलग से रख दूंगी, क्योंकि वो मैं खुद ही धो दूंगी। सारे कपड़े देने का कोई मतलब नहीं होता है, एंड ये इजीली जल्दी से धुल भी जाते हैं क्योंकि ज़्यादा गंदा होता नहीं है, एंड लड़कों का कपड़ा ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि वो मेहनत का काम करते हैं, भाई पसीना आता है। तो अलग अलग कपड़ा मैं निकाल दे रही हूँ, शर्ट्स अलग करके, पैंट्स अलग करके, एंड मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने अलग से कर दिया है ताकि मैं उनको अभी धो दूंगी थोड़ी देर बाद, एंड अभी ये सारे पैंट्स एंड जीन्स निकाल लूँगी, एंड मेरा हो जाएगा सारा काम परफेक्टली रेडी, क्योंकि ये सारे सेपरेट करना भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम लगता है मुझे। तो पता नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा आलस भी फील होती है, अभी बहुत दिनों से आराम ही कर रहे थे, तो और ज़्यादा काम करने से ही थकावट जैसे महसूस होने लग जाती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े जो है मैंने निकाल लिए हैं, एंड ये सारे कपड़े को मैं देने वाली हूँ मेरी मदर इन लॉ को धोने के लिए, एंड वो 30-40 मिनट्स में धो देंगी इजीली। तो मैं इनको कैसे ले जाऊंगी, सोचा मैंने कपड़े में बांध के लेके जाती हूँ, तो इसीलिए एक गमछा जो है उसमें पोटली बना के लेके चली जाऊंगी, क्योंकि पास के पास ही है उनका घर, आप लोगों ने देखा ही होगा 10 कदम की दूरी पे है। तो अगर आप लोग रेगुलर फॉलो करते हो तो पता ही होगा, एंड ये सारे अपडेट्स जाने हैं ना मेरे लाइफ के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप लोग नए आए हो मेरे वीडियो को देखने, ब्लॉग को देखने, एंजॉय करने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स एंड मेरे बारे में अच्छे से जान पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी, पोटली बनाने की कोशिश कर रही थी, बट हो नहीं पाया पोटली, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे एंड छोटे से गमछे में नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने अपना एक गाउन ले लिया, गाउन में सारे पैंट्स जो हैं उनके वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, एंड गमछे में मैंने सारे टी शर्ट्स एंड शर्ट्स फोल्ड कर लिए हैं ताकि 2 पोटली बन जाए, एंड मैं और मेरी साथ में जो ये लड़की बैठी है ना आप लोगों को दिख रही है, वो ऊपर के फ्लोर में रहती है वो, तो वो और मैं जाके दोनों हाथों हाथ दे के आ जाएंगे ताकि 2-3 बजे तक मेरी सांस धो देगी, फिर मैं थोड़ी देर धूप में सुखा दूंगी। धूप तो है नहीं, मतलब ऐसे छत पे डाल दूंगी ताकि हवा में थोड़ा बहुत सूख जाए, ड्रायर में तो 50% सूख ही जाता है, और 50% ऐसे हवा में दे दूंगी तो ईजीली वो सूख जाएंगे। तो फाइनली पोटलियों को मैंने बांध लिया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देन पोटलियों को साइड में रख देती हूँ, एंड जो कपड़े मुझे धोने थे वो मैं गला दूंगी ताकि वहाँ से आके थोड़ी देर गल जाए वो, एंड वहाँ से आके फिर मैं कपड़े धो दूंगी। तो इसीलिए सारे कपड़े को मैंने निकाल लिया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जो मुझे धोना है, एंड मैं अभी धो दूंगी क्योंकि वेदर थोड़ा सा सही लग रहा है, बारिश नहीं भी हो सकती है, तो बाहर सुखा दूंगी तार में तो अच्छे से वो थोड़ा सूख भी जाएंगे। तो मैं आधी बाल्टी के करीब पानी लेके आ चुकी हूँ, एंड डिटर्जेंट डाल दूंगी जैसे नॉर्मली होता है, जब वॉशिंग मशीन घर में नहीं होता है तो हम लोग यूजुअली ऐसे ही कपड़े धोते हैं ना। तो सर्फ एक्सल मैंने ऐड कर दिया है, एंड अच्छे से मैं इनको गला लूँगी ताकि एक अच्छा सा सॉफ्ट डिटर्जेंट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए पानी में, देन सारे कपड़े को मैं गला दूंगी। एंड यहाँ पे 2 बच्चे ऊपर के जो बच्चे हैं वो हमेशा मेरे काम में मदद तो करते ही करते हैं, मेरा टाइम पास बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ साथ ही साथ उनसे बात भी कर लेती हूँ, टाइम पास मेरा अच्छे खासा हो जाता है, तो मुझे घर में बोर बिल्कुल फील नहीं होती। साथ ही साथ मैं TV भी उतनी नहीं देखती हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाने में, एडिट, शेयर, सब ये सब करने में बहुत अच्छा खासा टाइम चले जाता है, एंड हस्बैंड जब आते हैं शाम को थोड़ा सा ही मैं उनके साथ क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, इसी ऐसे ही मेरा दिन चला जाता है, और दिन भर में ये लोग रहते हैं, इनसे बात करते करते भी अच्छा खासा
टाइम चला जाता है। एंड आप मानोगे नहीं, जब मैंने कपड़े धोए थे ना, तभी भी ये लोग बैठे हुए थे आराम से बातें करते करते। इतने सारे कपड़े मेरे कब धुल गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे साथ में कोई घर में रहता है ना तो अच्छा भी लगता है साथ में रहना, एंड साथ ही साथ बात करते करते टाइम पास ईजीली हो जाता है हमारा, तो कोई बोरियत फील नहीं होती है। आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप लोग बात करते करते अपना सारा काम कर लेते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास तो ये है, दो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे तो चले जाते हैं मदर इन लॉ के घर में, बट ये दोनों बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गला दिए हैं इनको, एंड अब हम लोग चलेंगे मदर इन लॉ के घर में, ताकि वहाँ से आते आते ये सारे गल जाए, एंड देन हम लोग कपड़े धो लेंगे एंड साथ ही साथ सुखा भी लेंगे, क्योंकि आज टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमें। वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मैंने दो पोटलियाँ बांध ली हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रही है, एंड हमारी पोटली हो चुकी है रेडी। अब मैं निकलती हूँ मदर इन लॉ के घर के लिए, एंड वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को कौन सा वाला वॉशिंग मशीन लिया है वो भी शेयर करती हूँ। तो पहुंच ही गए हैं, 2 मिनट का रास्ता था जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो मैं रख देती हूँ सारे कपड़े धोने के लिए, एंड मैं अब आप लोगों को वॉशिंग मशीन दिखाती हूँ। मैं फाइनली अच्छे से शेयर नहीं कर पाई, बट जो थोड़ा बहुत हुआ मुझसे मैं शेयर कर रही हूँ। ये वाइट कलर वॉशिंग मशीन है, जितना मुझे पता चला ये वर्लपूल का है आई थिंक सो, एंड उसके ऊपर का स्टिकर मुझे उतना समझ में नहीं आया कि कौन सा वाला है, एंड उतना ब्लॉगिंग भी मैंने वहाँ पे नहीं किया। तो मैं रिटर्न आ गई घर, क्योंकि वो लड़की भी मेरे साथ गई थी, तो उसको बाहर खड़ा करके मैं अंदर बैठ नहीं सकती थी। तो हम लोग रिटर्न आ गए घर, एंड घर आके ही मैंने सारे कपड़े धो दिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। एंड धोने के बाद अब सारे कपड़े को मैं अच्छी तरीके से सुखा देती हूँ, क्योंकि वेदर थोड़ा सा अच्छा था तो शायद तक हवा लगते लगते ये थोड़ा बहुत 50-60% तक सूख जाए मेरे। तो मैं घर के अंदर पंखे के नीचे डाल दूंगी तो वो रात भर में सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े को अच्छी तरीके से फैला फैला के सुखा दिया है। एंड होपफुली आज बारिश ना हो तो मेरे वो सारे जो कपड़े हैं वो भी सूख जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, किस्मत ख़राब होने से बारिश भी हो सकती है। तो चलो सारे कपड़े को सुखा लेती हूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली मैंने सारे कपड़े सुखा लिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि मुझे भी कपड़े धोने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े एक साथ नहीं धोती हूँ। तो ये 6-7 कपड़े जो धोने थे वो मैंने धो लिया है, एंड अच्छे तरीके से मैंने इनको खुले में ही सुखा देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो कि कपड़े सारे आ चुके हैं, धुल के मैं लेके आ चुकी हूँ। तो कहाँ सुखाऊँ मैं सोच रही हूँ, बारिश का भी मौसम हो रहा है, छत पे ही जाके सुखा के आती हूँ। मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे हैं, फ़ोन ले जाना अच्छा नहीं है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को सारे कपड़े सुखाने के बाद मैं, एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को लंच शेयर करती हूँ कि आज का लंच मेन्यू मेरा क्या है। ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं बना है, एज़ यूजुअल खिचड़ी बनाई है बिना हल्दी डाल के, तो इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड मैंने उसमें घी ऐड कर दिया है, एंड थोड़ा सा मैंने कटोरी में सेव डाल दिया, यही मेरा आज का लंच है। हे गाइस, वेलकम बैक। एंड मैंने लंच कर लिया जैसे कि आप लोगों ने देखा, एंड क्या लंच किया वो तो आप लोगों ने देख ही लिया था। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आज वो हेयर ऑयल नहीं शेयर कर सकती, वो DIY हेयर ऑयल नरिशिंग हेयर ऑयल, बिकॉज़ यार वो हेयर ऑयल का जो बोतल है वो रखने के लिए मेरे घर में अभी कुछ है नहीं,
तो मैं सोच रही हूँ आज के ब्लॉग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा खींच नहीं पाऊँगी, एंड वो जो तेल का बोतल है वो भी मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं किस में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए सोचा कि आज के ब्लॉग में ना शेयर करके कल के ब्लॉग में स्टार्टिंग में ही आप लोगों को शेयर कर दूँगा। आई होप कि आप लोग नाराज़ नहीं हो रहे, एंड कल पक्का मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एंड वो जो हेयर ऑयल है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग हेयर ऑयल है, तो अगर आप लोगों का हेयर ग्रोथ नहीं होता है तो वो हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बट कैसे बनाते हैं वो कल के ब्लॉग में आप लोगों को टोटल शेयर कर दूंगा। आई एम सो सॉरी, मैं अभी भी आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को वादा करके नहीं शेयर कर पाई, बट क्या करें, मजबूरी है, मैं बिना बोतल में डाल के कैसे शेयर कर पाऊँगी, है ना। बोतल में ही मुझे बना के मुझे मेरे लिए स्टोर करके रखना है ताकि 13 डेज बाद जब मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो तो वो कंट्रोल करे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो हेयर ऑयल। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए एंड सॉरी बोलते हुए ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे, एंड हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट सजेशन वो भी बता सकते हैं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी।